हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीजन। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। देखिए, ये चैप्टर वैसे तो काफ़ी इजी है, बट देर आर सम थिंग्स दैट वी आर नीड टू फोकस सो दैट इन एग्जामिनेशन यू विल नॉट लूज एनी मार्क्स। सो देखिए, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है बेसिकली? लाइक जैसे मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन कॉन्स्टेंटेड जॉब नॉर्मली परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू कस्टम रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कस्टम नहीं आएगा, ये कस्टमर है, कस्टमर रिक्वायरमेंट। देखिए होता क्या है बेसिकली, लाइक सपोज देर इज अ पर्सन हु एक्चुअली डिमांड्स, लाइक सपोज ही वॉन्ट्स, सपोज ही सेइंग आई वॉन्ट 7 सीटर सोफा। ठीक है, एंड सपोज देर इज अनदर पर्सन हु एक्चुअली वॉन्ट, ही एक्चुअली वॉन्ट दैट आई वॉन्ट क्वीन साइज बेड। ठीक है, सो देखिए अलग अलग कस्टमर के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है उनकी ऑर्डर आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है जॉब असेटिंग करना, सॉरी का जो कॉस्ट असेटिंग करना वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सो इन दैट केस, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जब भी कोई मैन्युफैक्चर कोई अगर क्या कहते हैं प्रोड्यूस कर रहा है कोई गुड्स या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में देखिए कॉस्टिंग को असेटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। बिकॉज वहाँ पर जो उसकी जो जॉब होती है वो क्या होती है कि किसी भी तरह की जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है कस्टमर की, सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही जो है कॉस्ट को हमें असेटिंग करना है, दैट्स इट। यानी कि बाकी सबको हमें इग्नोर करना है, हमें नहीं पता करना कि फैक्ट्री में क्या चल रहा है। बाकी जैसे मान लीजिए, अगर जैसे मैं अगर मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि सोफा सेट का, देखिए अगर कोई सोफा सेट है तो पर्टिकुलर उसमें जो कि कॉस्ट आती है, जैसे मान लीजिए नॉर्मली, जैसे मान लीजिए अगर मैं बेड लूँ, ठीक है, बेड का साइज जैसे 6x6 होता है, तो इसका नॉर्मल देखिए पता होता है कि भैया इसका खर्चा इतना इतना होने वाला है। ठीक है, और ये फिक्स होता है, इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट जो है वो फिक्स होता है। बट अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ रही है कि भी क्वीन साइज बेड बनाना है, ठीक है, प्लस उसकी और डिमांड है कि उसका डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, किसी तरह का मटेरियल उसमें यूज़ होना चाहिए, ठीक है, या और कोई स्पेशल डिमांड आ रही है कि उसमें इसको ऐड ऑन करना है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर क्वीन साइज की बेड की कॉस्ट निकालना जो है वो जो निकालते हैं असेटिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ ऑल ओवर, लाइक ईच जॉब और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। जो मेन मीनिंग है वो क्या है, ईच जॉब और यूनिट ऑफ अ प्रोडक्शन ईच ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि जॉब इज बेसिकली, जॉब कॉस्टिंग इज कैरिड आउट फॉर the purpose of ascertaining cost of each job and takes into account
द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एम्प्लॉयज एंड ओवरहेड्स एंड सो ऑन। सो बेसिकली अगर हमें कोई किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन से या स्पेशल क्लाइंट से जो हमें जो है एक अलग तरह का वहाँ पे जो ऑर्डर मिला, तो हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी कॉस्ट आ रही है उसको हमें सेटिंग करना है, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए अगर हमें पता लगा है कि अगर जॉब कॉस्टिंग कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होती है, लाइक सपोज प्रिंटिंग प्रेस, और कहाँ पर होता है लाइक किसी रिपेयर शॉप में, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल या इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है। तो ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पर जो है हमें पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग जो हमें जो है एक कॉस्ट को असेटिंग करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, अगर हम इनके कुछ और फीचर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर दैट, यहाँ पर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई रिपेयर शॉप है, ठीक है भाई, दो कस्टमर आपके पास, तो ज़रूरी है कि दोनों कस्टमर की डिमांड एग्जैक्ट सेम होगी, दिल नहीं जी नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि नो टू ऑर्डर्स आर अलाइक एंड ईच जॉब नीड्स स्पेशल रिक्वायरमेंट। ये हो गया फीचर नंबर वन। सेकेंड वन, जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड फॉर डिफरेंट कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन। एंड अगर देखा जाए तो ये आपका जो भी आए ऑर्डर होता है वो बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। सो नॉर्मली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इट इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल जॉब। सो दीज आर दी बेसिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। चलिए अब हम इसके अट्टे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सो दैट यू विल हैव मोर क्लैरिटी। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर वन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ जय इंजीनियरिंग वर्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब नंबर 28। क्या क्या गिवन है, देखिए मटेरियल्स अमाउंटिंग रुपीज 3,450, वेजेस गिवन आपको थ्री डिपार्टमेंट्स के ए बी एंड सी, देन वर्क ओवरहेड ऑल्सो गिवन आपको थ्री फॉर थ्री डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी, फिक्स ओवरहेड्स भी गिवन आपको एस्टिमेटेड एट 10,000 फॉर 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स।
Now you are required to calculate the cost of job number 28. Calculate the price to be charged so as to give a profit of 20% on selling price. देखिए जैसा कि आपको अगर मैंने आपको कॉस्ट शीट में बताया था, देखिए दो तरह की आपकी मेनली जो एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. देखिए जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, दीज आर बेसिकली इंकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड. यानी कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी यूनिट जो है परचेज करी है, उसी के हिसाब से जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आपने मान लीजिए 1000 यूनिट जो आपने परचेज की है, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग इससे आपका खर्चा होगा रॉ मटेरियल का. भाई मान लीजिए ये 8 रुपीज के हिसाब से कहते हैं, 10 रुपीज के हिसाब से, तो आपका खर्चा कितना होगा 10 रुपीज. इसी के हिसाब से आपके डायरेक्ट वेजेस भी खर्च होंगे, ठीक है, लेबर लगेगी आपकी. सो आपके इन द सेंस क्या हुआ कि आपके जितने यूनिट्स आप परचेज करोगे उतने ही आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चे होंगे. लेकिन जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरफ देखते हो, सो दे आर बेसिकली ऑन द इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमिन. ये प्री डिटरमिन बेस पे होते हैं. सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है सपोज 5 ईयर्स का. अब आपको पता है कि भाई मान लीजिए अगर आप 800 यूनिट्स परचेज करते हो, ठीक है, या 900 यूनिट्स परचेज करते हो, या 1000 यूनिट्स परचेज करते हो, या 700 यूनिट्स परचेज करते हो, तो आपको पता है कि आपको इसके पास कितना कितना जो है ऑलरेडी खर्चा आया एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. यानी कि आपके पास डेटा होता है पहले का, ठीक है. अब मान लीजिए क्योंकि आपके पास ये जो डेटा पड़ा है, जो भी आपके पास, वो आपके पास फिक्स्ड भी होता है एंड वेरिएबल भी होता है. बिकॉज आप वेरिएबल तो निकाल ही लेते हो भाई. कॉस्ट अकाउंटिंग की जॉब ये होती है कि वो सारे सारी कॉस्ट को असर्टेन करे, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो फिक्स हो, चाहे वो वेरिएबल हो, सारी कॉस्ट को असर्टेन कर सबको रिकॉर्ड भी रखेगा, ठीक है. अब यहाँ पर जो है जब डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यूनिट्स आपने जो परचेस करी है, सपोज करिए आपने 1200, ठीक है, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो तो इसके हिसाब से होंगे ही होंगे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है. लेकिन जो इनडायरेक्ट होंगे उसमें से फिक्स हो, देखिए कुछ तो इसी भी रिलाय करेंगे भाई, फिक्स तो होगा ही होगा, ठीक है. यानी कि फिक्स का तो मतलब यह कि चाहे 800 यूनिट्स परचेस करो, चाहे 900, चाहे 1200, तो कुछ खर्चा होगा ही. लेकिन अगर आप जैसे आप एक्सीड करोगे तो कुछ वेरिएबल भी खर्चा होगा. यानी अगर आपने एक्सीड कर दिया, जैसे मान लीजिए अब तक आप सिर्फ जो है 1000 यूनिट्स परचेज कर देते थे, लेकिन अब आपने डिमांड के अकॉर्डिंग आपने जो है 200 एक्स्ट्रा यूनिट्स परचेज कर ली, तो 200 तक तो आपके फिक्स हो गए, बाकी 200 आपके वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है. तो दैट मीन्स अगर इन शॉर्ट मैं कहना चाह रहा हूँ से कि जो इन डेट एक्सपेंस होते हैं वो आपके बेसिकली प्री डिटरमिन बेस पे होते हैं. बट डेट एक्सपेंस आपके तो किस पे होते हैं, आपके कौन से बेस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ योर यूनिट्स परचेज, ठीक है. तो देखिए यही मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में सुना जा रहा हूँ. देखिए क्या बोला हुआ है, मटेरियल कितना खर्चा हुआ 3450. देखिए मैं आपको उसमें वही सेम है सिमिलर जैसे हमें अब तक हमने किया क्वेश्चन बनाते थे हमने, ये वही है. पहले हम जो क्वेश्चन बनाते थे वो पूरी फैक्ट्री के बनाते थे, लेकिन हम यहाँ पर जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो उससे पर्टिकुलर जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1. ऊपर लिखेंगे जॉब कॉस्ट शीट. यहाँ पर आई थिंक आपको जॉब नंबर भी गिवन था, यस नंबर 28. वही सिमिलर आपका आपका पैटर्न होगा, पर्टिकुलर्स डिटेल्स
अमाउंट। तो देखिए सबसे पहले मैं पहले क्या होता है, आपको चार फॉर्मेट याद होगा। सबसे पहले लिखते हैं हम मटेरियल्स, अमाउंट आपको गिवन है 3,450। अब बात करते हैं हम वेजेस की, वेजेस आपको थ्री डिपार्टमेंट के अलग अलग गिवन है। कितना गिवन है ए के लिए 60 आवर्स, और पर आवर कितना चार्ज कर रहे हैं डिपार्टमेंट ए में लेबर, दैट इज 3। तो दैट मीन्स कितना खर्चा होगा 180। सेम फॉर डिपार्टमेंट बी दैट इज ₹80, एंड सेम फॉर डिपार्टमेंट सी दैट इज ₹80। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे वेजेस, फॉर थ्री डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ए 60 × 3, डिपार्टमेंट बी 40 × 2, डिपार्टमेंट सी 20 × 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका टोटल कितना हो जाएगा आपका, सॉरी वन एट्टी एट्टी एंड 80। समेशन ऑफ ऑल डेट एक्सपेंसेस वुड बी प्राइम कॉस्ट, तो ये टोटल आपका आ गया 3,790। ये आपके पास आ गया प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद फर्स्ट आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था वो कौन सा था आपका, दैट इज ऑफिस नहीं आता, फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या बोला हुआ है, अच्छा यहाँ पर सिर्फ ओवरहेड्स बोले हुए हैं, दैट मीन्स ओवरहेड कौन से हैं ये नहीं बताया, बस ओवरहेड्स दिया। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर ओवरहेड्स के नाम लिखेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ ओवरहेड्स लिखेंगे। हाँ बस यहाँ पर दो आपके ओवरहेड्स हैं, दैट इज वेरिएबल एंड दी फिक्स, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए पहले वेरिएबल ओवरहेड्स पर देखेंगे क्या बोला हुआ है, कि डिपार्टमेंट ए ने वेरिएबल खर्चा कैसे होता है, देखिए लिखे ₹4,000 फॉर 4,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्या लिखा है कि ₹4,000 जो खर्च हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, अगर 4,000 जो है लेबर आर जो है वो लग रही है। क्या बोला डिपार्टमेंट ए में कि 4,000 रुपीज जो है वो खर्चा हो रहा है एज वेरिएबल ओवरहेड, वो 4,000 कितने पे खर्च हो रहा है, अगर 4,000 डायरेक्ट लेबर आर यूज हो रही हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर अगर यहां पर लिखेंगे ऐड करेंगे यहाँ पर हम वेरिएबल ओवरहेड्स, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ए की, डिपार्टमेंट ए में क्या बोल रहे हैं कि 4,000 रुपीज जो है वो खर्चा होगा एज पर 4,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, बट एक्चुअली में डिपार्टमेंट ए में कितने लेबर आर हुए हैं, लेबर आर देखिए कितना हुआ है 60 तो हुए हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 60 से, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट की गई डिपार्टमेंट ए में लेबर कितनी लगी है, वो 60 लगी है, उससे तो लगी नहीं, तो हम तो 60 के अकॉर्डिंग जो खर्चा इंकर्ड कर असेटिंग करेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी का करेंगे। देखिए डिपार्टमेंट बी में कितना है, 3,000 / 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 40। सी में कितना होगा, 1,000 / 500 मल्टीप्लाइड बाय 20। सो देखिए यहाँ पर 3,000 / 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 40, एंड यहाँ पे 1,000 / 500 मल्टीप्लाइड बाय 20, दैट्स इट। तो ये कितना जाएगा आपका 60, 80 एंड 40। अब हम क्या करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी इंक्लूड हैं तो उनको भी ऐड करेंगे।
देखिए फिक्स ओवरहेड्स के लिए क्या बोला हुआ है, एस्टिमेटेड एट 10,000 फॉर 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स। क्या बोला हुआ है कि फिक्स ओवरहेड्स कैसे खर्च हो रहे हैं, कि 10,000 रुपये जो है फिक्स जो है खर्चा हो रहा है किस पे, फॉर नॉर्मली 10,000 वर्किंग आवर्स। देखिए अगर आप दिखा हुआ है, देखिए तीन डिपार्टमेंट में जो लेबर हैं, अगर हम उनका टोटल लेबर आवर देखें कितना, देखिए 60 + 40 + 20 दैट इज 120, तो हम एसी के प्रोपोर्शन में कर देंगे इसको, बहुत इजी है। देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपका कैसे निकलेगा ये, भाई 10,000 रुपीज जो खर्चा हुआ एज पर नॉर्मल वर्किंग आवर्स दैट इज 10,000, बट एक्चुअली में टोटल जो लेबर आ रहा है वो कितनी है, 60 + 40 + 20 दैट इज 120, तो हम तो उसी के अकॉर्डिंग खर्चा लिखेंगे, इट इज अमाउंटिंग रुपीज 120। ठीक है, बस अब आपके सारे जो खर्चे हो गए, बस अब हम क्या करेंगे, सेल से सॉरी प्रॉफिट निकालेंगे और फिर सेल आइटम क्या बता रहे हैं। तो अच्छा इनको टोटल कर देते हैं एक बार, तो देखिए कितना हुआ 180, ये तो हो गया का वेरिएबल, इनका टोटल जो होगा वो कितना हो गया 180, एंड ये तो हो गया आपका 120, सो दैट मीन्स 300 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,090। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। अब हम इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे एंड देन वी विल गेट सेल्स। देखिए प्रॉफिट के लिए भी न्यू एक लैंग्वेज दी हुई है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 28 एंड कैलकुलेट द प्राइस टू बी चार्ज सो एज टू गिव द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स प्राइस, 20% ऑन सेल्स प्राइस। ये तो आपको तरीका पता होगा, जैसे देखिए क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, भाई कॉस्ट हम निकाले दैट इज 4,090, फॉर प्रॉफिट आपको पता नहीं, ठीक है ना, सेल्स पता, लेकिन प्रॉफिट बोला हुआ है कि प्रॉफिट कितना 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स को हम एक्स ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20x/x, तो बस यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे, तो 4,090 = 80x/100, यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका 5,112.5, एंड एक्स क्या हमने लेट किया था दैट इज सेल्स, तो सेल्स कैप की वैल्यू आ गई दैट इज 5,112.5, एंड देन डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट एंड द सेल्स वुड बी योर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका दैट इज 1,022.5। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। जैसे कि मैंने आपको कहा था ये आपका चैप्टर काफी इजी है, बट आपको छोटी छोटी चीज पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अ ऑर्डर फॉर 200 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी हैज टू पास थ्रू फोर डिफरेंट मशीन्स, ऑफ ईच ऑफ विच द मशीन आर रेट्स आर मशीन 1 1.25, मशीन 2 2.5, मशीन 3 3, मशीन 4 2.5। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक वर्क ऑर्डर जो आया वो कितना का है, 200 यूनिट्स का आया, ठीक है, एंड वो जो ऑर्डर है वो हमारा चार मशीन से जाके जो हमारा एक रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, तो मशीन आर रेट गिवन है, पर आर रेट कितने कितना चार्ज होता है मशीन 1 2 3 में। अब लिखा हुआ है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड ऑन द वर्क अंडर, मटेरियल्स 8,000, वेजेस 500, मशीन 1 हैज बीन एंगेज्ड फॉर 200 आवर्स, मशीन 2 160, मशीन 3 4 240 आवर्स एंड मशीन 4 फॉर 132 आवर्स।
आफ्टर द वर्क ऑर्डर हैज़ बिन कम्प्लीटेड मटेरियल वर्थ ₹400 वर आर फाउंड टू बी सरप्लस एंड आर रिटर्न टू स्टोर। जैसे कि जैसे हमने कोई मटेरियल परचेज करके लाए, ठीक है, उसमें से कुछ जो वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं कि एक मतलब एज अ वेस्ट हमने निकाल लिया और ठीक है, और हमने इसको निकाल देते हैं हम, तो हम क्या करें 4,400 रुपये माइनस कर देंगे मटेरियल में से, दैट्स इट, क्योंकि हमने इसको रिटर्न कर दिया स्टोर में, अभी हम यूज़ नहीं कर रहे इसको हम। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बिन कम्प्लीटेड, यानी जैसे ही हमको ऑर्डर मिला मटेरियल जो है 400 रुपये का, दैट टू बी फर्स्ट सरप्लस एंड रिटर्न टू द स्टोर्स, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई जैसे हमने हमने कोर्ट शीट में क्या था कि मान लीजिए कोई ऐसा फिनिश गुड जो बनकर तैयार हो गया जो कि हम अभी इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए यूज़ नहीं कर रहे, तो उसका करते हैं उसका नेक्स्ट पीरियड के लिए उसको हम रख देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा स्टोर में रख दिया इसको। तो मटेरियल देखिए हम कितना लेके आए थे 8,000 रुपये का, उसमें से 400 हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हम कितना यूज़ करेंगे, ओनली फॉर 7,600। नेक्स्ट, ऑफिस ओवरहेड्स यूज टू बी 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क कॉस्ट बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइजेज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स देर हैज़ बिन 50% राइज इन द ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अच्छा 50% राइज हो गया। मोर ओवर इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ द पॉपुलेशन हैव बिन स्क्रैप विल हैव टू बी स्क्रैप्ड एंड नॉट बींग अप टू द स्पेसिफिकेशन एंड द सेल्स प्रोसीड ऑफ द स्क्रैप्ड आउटपुट विल बी ओनली 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा क्या बोला हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर जो है जैसे रॉ मटेरियल जब कन्वर्ट करे थे फिनिश गुड्स में, जब जब फैक्ट्री से निकला तो कुछ स्क्रैप भी निकला, तो उसको बेचा कितने पे, ये बोल रहे हैं कि जितना हमारा खर्चा हुआ उसका 10% जो है वो स्क्रैप में निकला, और जितना स्क्रैप में निकला जो जितनी कॉस्ट उसकी उसका 5% उसको सेल ऑफ कर दिया। ठीक है अभी देखेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इफ द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ ए कमोडिटी रेडी फॉर सेल। यानी यहाँ से आप पूछ रहे हैं टोटल सेल वैल्यू पूछ रहे हैं, यहाँ से हम सब पूछ रहे हैं सेल प्राइस पर यूनिट। ठीक है तो यूनिट ऑर्डर कितना 200 है, सेल वैल्यू निकाल लो उसमें से हम माइनस कर देंगे 200 में से। चलिए क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 2, जॉब कॉस्टिंग वेरी सिमिलर फॉर्मेट सबसे पहले देखिए क्या था आपके पास मटेरियल्स, लेकिन मटेरियल्स में एक क्या गिवन था आपको कि 8,000 की आप लेके आए थे उसमें से 400 रुपये का जो वो स्टोर में ट्रांसफर कर दिया, तो अभी तो हम कॉस्ट जो इंकर्ड करेंगे वो कितनी करेंगे, ओनली फॉर 7,600। ठीक है इसके बाद क्या था आपके पास वेजेस, वेजेस में देखिए क्या पॉइंट था, वेजेस गिवन आपको 500, बस आपके पास क्या रहेगा आपके पास ये प्राइम कॉस्ट अमाउंटिंग रुपीज 8,100। इसके बाद हम ऐड करते हैं वर्क ओवरहेड्स, अब वर्क ओवरहेड आपको इस बार मशीन आर के बेसिस पे गिवन है, सो देखिए क्या लिखा हुआ मशीन नंबर 1 में, फिर सेकंड में, थर्ड में और फिर फोर्थ में, देखेंगे कैसे कैसे खर्चा आया। सो देखिए आपको मशीन आर 8 रेट गिवन था आपको, मशीन 1 में कितना है देखिए 1.25, 2 में 2.5, 3 में 3 एंड देन फोर्थ में 2.25, और मशीन आर आपको गिवन है 200, 160, 240 एंड 132, तो बस आपको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास वर्क ओवरहेड आ जाएगा, काफ़ी इजी है देखिए। सो यहाँ पर आ जाएगा ये 200 मल्टीप्लाई बाय 1.25, 160 मल्टीप्लाई बाय 2.5
240 मल्टीप्लाई बाय 3, 132 मल्टीप्लाई बाय 2.25, सो दिस कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 250, 400, 720 एंड 297। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा वर्क ओवरहेड्स, वर्क कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो टोटल है आपका सर आएगा ये 1667, एंड टोटल जो वर्क कॉस्ट हो जाएगा आपका दैट इज 9767। बस इसके बाद कहते हैं क्या करते हैं अब हम ऑफिस ओवरहेड। देखिए ऑफिस ओवरहेड के लिए क्या बोला हुआ है, ऑफिस ओवरहेड कितने हैं, 60% ऑफ वर्क कॉस्ट, 60% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट कितना है, 9667, तो वही करेंगे ऐड ऑफिस ओवरहेड जो कि गिवन है आपको 60% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना है, 9767, दैट मीन दिस विल कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 5816। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मोर ओवर इट इज नोन दैट 10% ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव टू बी स्क्रैप्ड, यानी कि जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है उसका 10% जो स्क्रैप में चला गया। कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बताए नहीं है, तो हम क्या करेंगे कॉस्ट के हिसाब से करेंगे, और उसको स्क्रैप कितने में कर दिया, 5% कॉस्ट ऑफ सेल की। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम इनका टोटल करें, ये टोटल आपका पास आ जाएगा 15627। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, लेस कर रहे हैं सेल ऑफ स्क्रैप। कैसे कर रहे हैं, देखिए हमें ये नहीं पता कि कितने यूनिट्स जो है वो एक्चुअली में बनाया। अगर हम यूनिट्स के हिसाब से तो यूनिट्स का 10% निकाल लेते हैं, तो अब क्या करें हम, जितना कॉस्ट अब तक हमारा खर्चा हुआ उसका 10% निकालेंगे। तो कितना, देखिए 10% ऑफ 15627, स्क्रैप का वैल्यू कितनी है, इसी का 5%। आई रिपीट, देखिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं पता कि कितने यूनिट्स जो हैं हमारी जो हैं वो स्क्रैप में निकली हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स पता, वो बताएंगे जितना खर्चा हुआ उसका 10% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी 10% और जितना भी हमने प्रोड्यूस करा, जितना खर्चा आया उसको प्रोड्यूस करने में, उसका 10% जो है वो स्क्रैप में निकल गया। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी वैल्यू ऑफ स्क्रैप। ठीक है, इस कॉस्ट ऑफ स्क्रैप, सॉरी कॉस्ट ऑफ स्क्रैप। ठीक है, और उसका 5% पे उसको सेल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा अमाउंटिंग रुपीज 78, इसको लेस करेंगे बिकॉज ये सेल है। तो बस आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट अमाउंटिंग रुपीज 15449, दैट इज टोटल कॉस्ट। अब हम ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट एंड देन विल कम टू सेल्स। प्रॉफिट आपका 20% ऑन टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पर तो इजी है, 20% हम कॉस्ट पे निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3110। टोटल आपके पास आ जाएगा ये 18,659। बट अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो हमसे हमसे पूछे क्या क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है सेल्स पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट या सेल प्राइस पर यूनिट कितना आ जाएगा आपका, 18,659 डिवाइडेड 200 विच कम्स टू 93.3 पर यूनिट। ठीक है, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर।
चलिए नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2020 इज ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ए फैक्ट्री. आपको कंपिटिटिव जॉब्स की रिक्वायर आपको डिटेल्स गिवन है एंड वर्क इन प्रोग्रेस की आपको डिटेल्स गिवन है. फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 80% ऑफ वेजेस. ऑफिस ओवरहेड्स आर 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. द कंप्लीटेड जॉब रियलाइज 4,10,000. अच्छा मतलब सेल्स गिवन आपको. आपको क्या क्या निकालना है? वर्क इन प्रोग्रेस लेजर अकाउंट, कंप्लीटेड जॉब लेजर अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. यहाँ पर देखिए बच्चे कई बार एग्जाम में काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं और फिर बाद में कोसते हैं कि भी हमारे जो टीचर नंबर काट लिए. यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर कोस्ट शीट नहीं पूछी, यहाँ पर आपसे लेजर अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं. ठीक है, तो लेजर अकाउंट होपफुली आप बुरे नहीं हों, बुरे नहीं होंगे. जैसे आप पी एन एल अकाउंट बनाते वैसे ही है. डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस देखेंगे एंड राइट साइड में ऑल इनकम एंड सेल्स. तो वैसे ही आपका सिंपल है. वर्किंग प्रोग्रेस का हमें लेजर बनाना है, कंप्लीटेड का एंड देन कॉस्ट ऑफ सेल्स का. तो देखिए पहले बनाएंगे वर्किंग प्रोग्रेस का. तो देखिए हमें पहले बनाना है वर्किंग प्रोग्रेस लेजर अकाउंट, देन कंप्लीटेड जॉब लेजर अकाउंट एंड देन कॉस्ट ऑफ सेल्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड. पहले हम बनाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट. देखिए सबसे पहले देखिए खर्चा क्या होगा. दैट इज रॉ मटेरियल, गिवन आपको हम बनाने वर्क इन प्रोग्रेस का तो आप कहते हैं लेकिन 32,000. वेजेस गिवन आपको 40,000. चार्जेबल एक्सपेंसेस आपको गिवन नहीं है, वैसे तो आपकी हमेशा मोस्टली जो आपके ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही काउंट होते हैं. ठीक है, बिकॉज आपको गिवन नहीं है चार्जेबल एक्सपेंसेस किस से रिलेटेड है, कुछ गिवन नहीं है, तो हम इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए ट्रीट करते हैं. इसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, अच्छा वो गिवन नहीं है तो ठीक है. फिर तो रॉ मटेरियल गिवन है, वेजेस गिवन आपको एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस. रॉ मटेरियल गिवन आपको 32,000, वेजेस गिवन आपको 40,000 एंड ये गिवन आपको 4,000. टोटल जो आएगा आपका दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 76,000, जो आपका बन गया है ये प्राइमिंग कॉस्ट. ठीक है, इसके बाद हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड देखिए कितना गिवन आपको. फैक्ट्री ओवरहेड कितना गिवन, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 80% ऑफ वेजेस. वेजेस कितना है? 40,000. 80% कितना होगा? 32,000. तो यहाँ आ जाएगा आपका 32,000. ठीक है, आई थिंक और तो कुछ है नहीं. अच्छा यार ध्यान देखिए, ये बुक में भी इसका जो है सॉल्यूशन गलत गिवन है. तो ध्यान से कि आपको गिवन है ऑफिस ओवरहेड्स आर 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देखिए हम कौन सा लेजर बना रहे हैं? वर्क इन प्रोग्रेस. आपको अच्छे से याद है वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ, तो क्या मतलब क्या होता है? यानी कि फैक्ट्री में अभी तक हम फिनिश गुड्स तक पहुँचे ही नहीं हैं, अभी भी काम चल रहा है. ठीक है ना, तो अभी तो हम देखिए ऑफिस ओवरहेड तक तो हम पहुँचेंगे ही नहीं. देखिए ऑफिस ओवरहेड में का मतलब क्या होता है कि हमारा जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारा खर्चा हो चुका है. तो वर्क इन प्रोग्रेस हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक खर्चा करेंगे ना, बाकी हम करने की जरूरत नहीं है हमें तो. ठीक है, तो इसका मतलब हमारा वेजर वर्किंग प्रोग्रेस लेजर जो अकाउंट है वो हमारा सिर्फ यहीं तक बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा.
तो बस हम यहाँ पर इसको टोटल कर देंगे, आप ये देखो 1,08,000, 1,08,000 एंड बैलेंस कैरी डाउन। आपको कोशीट का फॉर्म अच्छे से याद है कि जब हम फैक्ट्री ओवरहेड लिखते थे, ठीक है, उसके बाद हम सारे सारे जो है, यानी कि एक तरह से हमारा जो हमारा सारा खर्चा जो है उसके बाद हो गया था, यानी वर्किंग प्रोग्रेस अभी चल रहा है, फिनिश गुड्स तक पहुँचे रहे भी हम, ठीक है ना, फिनिश गुड्स तक पहुँचे। जब फिनिश गुड्स तक गया तब हम जो फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिसर वो हम ऐड करते हैं, लेकिन अभी हमारा चल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस लीजर। तो बस इसके बाद हम रहेंगे कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीटेड जॉब लेजर अकाउंट, वही वेरी सिमिलर पहले, इसमें क्या आएगा रॉ मटेरियल, इसके बाद वेजेस। रॉ मटेरियल देखिए कितना कीमत आपको, रॉ मटेरियल गिवन है आपको 88,000। अच्छा हमें लास्ट में गिवन है कि मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितना 1,000, तो उसमें से लेस कर देंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे रॉ मटेरियल 88,000 और फिर लिखेंगे लेस, रिटर्न कर दिया हमने रिटर्न टू स्टोर अमाउंटिंग रुपीज 1,000, तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ लिखोगे 87,000। इसके बाद हम ऐड करेंगे वेजेस, वेजेस आपको गिवन है 1,00,000, चार्जेबल एक्सपेंसेस 10,000, अब ये बन जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट 1,97,000, अब हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड तो सेम ही था, दैट इज 80% ऑफ वेजेस, दैट इज 80,000, ये आपके पास आ जाएगा वर्क कॉस्ट, ऊपर जो भी हमने बनाया वर्किंग प्रोग्रेस वो सिर्फ हमारे यहाँ तक था, लेकिन हम यहाँ पर कंप्लीट लगा रहे हैं तो हम पूरा ही बनाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2,77,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स देखिए कितना बोला था, ऑफिस ओवरहेड्स आर 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सो 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट दैट मीन वर्क कॉस्ट, दिस विल बिकम 67,250। अब यह बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंटिंग रुपीज 3,46,250। अब हम ऐड करेंगे इसमें सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स देखिए क्या बोला बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो 10% दैट इज 34,625, ये बन जाएगा आपका। बस अब आपका ये क्या बन जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल हो जाएगा आपका ये दैट इज 3,80,875, 3,80,875, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। अच्छा इसका हम जो है अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाएंगे इसको हम, सो यहाँ पर आप लिख देना कॉस्ट ऑफ सेल्स अमाउंट जो भी फिगर है दैट इज 3,80,875, बिकॉज हमें कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बनाना है। अब लेजर बनाएंगे यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स,
हैगा का टोटल कॉस्ट 3,80,875, यहाँ आका का सेल्स गिवन आपको 4,10,000, बाकी रिमेनिंग आपके और रह जाएगा ये प्रॉफिट विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज़ 29,125, टोटल होगा आपका 4,10,000। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है, सॉरी ये आपका आएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है ये तो टोटल ही आएगा यहाँ पे, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दैट इज 29,125 प्रॉफिट। Now move me to next question number 4. A factory used job costing. The following cost data is obtained from its book for the year ended 31st December 2020. That material given and that wages, profits, selling and distribution overheads, administrative overheads, factory overheads. So the easiest of course given up. Prepare job sheet indicating the prime cost, work cost, production cost, cost of ये तो हम इजीली कर लेंगे, क्वेश्चन तो आपको अच्छे से पता ही है कैसे बनाते हैं। अब लिखा हुआ इन 2021 द फैक्ट्री रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर अ नंबर ऑफ जॉब्स, इट इज एस्टिमेटेड दैट दैट मटेरियल रिक्वायर विल बी 1,20,000 एंड दैट लेबर 75,000। अच्छा ऑर्डर आया है तो उसके हिसाब से जो है खर्चे जो हैं दैट एक्सपेंसिस में ये कुछ चेंजेस आए हैं। देन बोला हुआ व्हाट शुड बी द प्राइस फॉर दीज जॉब्स इफ द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट on sales, assuming that the selling and distribution overheads are have gone up by 15%. Achha. The factory recovers factory overheads as a percent of dead wages and administration and selling and distribution overheads as a percent of work cost based on cost rates prevailing the previous year. That means हमें पहले previous year का पूरी cost sheet बनानी पड़ेगी, उन सबका base जो है हमें rating आना पड़ेगा, and on the basis of that base rate we have to ascertain these cost for the year 2021. ठीक है इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें तो। चलिए पहले हम बनाएंगे जॉब शीट फॉर द ईयर 2020। क्वेश्चन नंबर 4 जॉब शीट फॉर द ईयर 2020। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका डायरेक्ट मटेरियल, आपको सारे सब कुछ गिवन फिगर ही है इसमें, तो कट कॉपी पेस्ट कर कॉपी पेस्ट ही करना है इसमें आपको। 90,000 75,000 आपको डायरेक्ट वेजेस गिवन है आपको 90,000 प्लस हम करेंगे डायरेक्ट वेजेस दैट इज 75,000, ये बन जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। दैट इज 1,65,000, अब इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, देखिए आपको कितना गिवन है अमाउंटिंग रुपीज 45,000, ये बन गया आपका 2,10,000, दैट इज वर्क कॉस्ट, इसके बाद हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये गिवन है आपको
42,000 एंड 52,500 आपको सेलिंग ओवरहेड गिवन आपको, ये गिवन आपको 42,000 2,52,000 ये आपके पास जो आ जाएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब हम ऐड करेंगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये गिवन आपको 52,500 3,04,500 ये बन गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स बस अब हम इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द टोटल ऑफ सेल अमाउंट तो देखिए प्रॉफिट का अमाउंट गिवन आपको 60,900 तो आपके पास जो सेल आ जाएगा दैट इज 3,65,400 तो ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट कवर हो गया दैट इज जॉब शीट फॉर द ईयर 2020 नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉस्ट वी नीड टू असर्टेन द जॉब फॉर द ईयर 2020-21 जॉब शीट फॉर द ईयर 2021 सबसे पहले रखेंगे देखिए डाइट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल देखिए 2021 में कितना है दैट इज 120 एंड डायरेक्ट लेबर 75,000 ये आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट इसके बाद हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या बोला हुआ था व्हाट शुड बी द प्राइस फॉर दीज जॉब्स इफ द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स एज यू बीन दैट अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर अच्छा पहले हमें एक बार जो है सबकी जो है बेस अमाउंट निकालना पड़ेंगे इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन रेट तो पहले हम इसके एक वर्क छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले ध्यान से देखिए पहले हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट तो देखिए हमने जो सबसे पहले निकाला दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स देखिए 2020 में फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे 45,000 एंड वो किस पे डिपेंड होते हैं वेजेस पे लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में तो क्या देखो 45,000 डिवाइड बाय 75,000 कितना है इसका जो है आपका परसेंटेज दैट इज 60% सिमिलर फॉर हम निकालेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के लिए देखिए एडमिशन ओवरहेड्स कितना गिवन है आपको 42,000 गिवन आपको एंड वर्क कॉस्ट कितना गिवन आपको 2,10,000 सो 42,000 डिवाइडेड बाय
210,000 multiplied by 100, which comes to 20%. Then selling overhead incurred with 52,500, ये भी आपका जो है वर्क कॉस्ट पे ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 जो होगा आपको स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में, विच कम्स टू 25%. एंड वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट फॉर द ईयर 2020. प्रॉफिट देखिए कितना आया था, 60,900. कॉस्ट पर निकाले थे हम, कॉस्ट थे आपकी 304,500 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 20%. बस अब हैं इन सब को हम बेस लेके चलेंगे. तो देखिए फैक्ट्री वेट यहाँ पे कितना है, 60%. यहाँ पे हम 60% लेंगे, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो यहाँ पे वही होगा. दैट मीन्स ये तो अमाउंट सेम ही आएगा, दैट इज 45,000. तो ये आपके पास आ जाएगा ये वर्क कॉस्ट, दैट इज 240,000. अब हम ऐड करेंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. देखिए एडमिशन ओवरहेड्स हमने जो बेस निकाला वो कितना है, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट. सो 20% कितना जाएगा वर्क कॉस्ट का, यहाँ पर देखिए 48,000 टोटल कर देंगे. यह रहेगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज 288,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Now we will add selling overheads. Selling overheads देखिए कितना है, 25% of work cost. So देखिए यहाँ पर ही क्या आ जाएगा आपका, 69,000. देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखी हुई थी कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ फॉर दी जॉब्स इफ द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स अज्यूमिंग दैट द सेल्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैव गॉन अप बाय 15%. यानी कि पहले देखिए सेलिंग ओवरहेड का बेस परसेंट कितना था, 25% ऑन वर्क, 20% ऑन वर्क कॉस्ट. तो पहले हम 25% निकालेंगे वर्क कॉस्ट का, उसमें हम फिर 15% हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो ऊपर गया. ठीक है, तो देखिए हमारा जो बेस था दैट इज कि यहाँ पर अगर हम वर्क कॉस्ट कितना है आपका, सॉरी यहाँ पर निकलेंगे कितना, 240, इसका 25% निकालेंगे तो आपका क्या रहता है, 60,000. फिर 60,000 में आपको 15% ऐड करना है. ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ. सेलिंग ओवरहेड जो एट प्रेजेंट है वो आपका देखिए कैसा आएगा, 240 का आपको पहले निकालना है 25%, विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 60,000. नाउ यू टू ऐड 15% ऑफ दिस वैल्यू, ऐड करना है इसमें आपको. तो ये आपके पास आ जाएगा 69,000. ठीक है, तो वही अमाउंट लिखा है मैंने सेलिंग ओवर, दैट इज 69,000 टोटल आ जाएगा आपका यहाँ पर, आपका दैट इज टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल अमाउंटिंग रुपीज 357,000. अब हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट परसेंटेज सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 20% आपका प्रॉफिट है किस पे, कॉस्ट पे निकाला था हमने, तो यहाँ पे भी हम कॉस्ट पे निकालेंगे, विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 71,400 टोटल कर देंगे. अब हम 428,400. नाउ दिस विल बी योर सेल वैल्यू. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. मूविंग टू नेक्स्ट.
Mayur Engineering engaged in job work has completed all jobs in hand on 30th December 2020 except job number 447. The cost sheet on 30th December showed direct material and direct labor cost of rupees 40,000 and 30,000 respectively as having been incurred on job number 447. The cost incurred by the business on 31st December 2020, that is the last day of the accounting year, were as follows: direct material 2,000, direct labor 8,000, indirect labor 2,000, miscellaneous factory overheads 3,000. It is a practice of the business to make the jobs absorb factory overheads on the basis of 120% of direct labor cost. Calculate the value of work in progress for the job 447 on 31st December 2020. यानी कि हमें जो work in progress जो भी निकालना है वो हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ for the job 447. अच्छा से work in progress पूछा है तो that means हमें तो ये सिर्फ work cost से निकालना पड़ेगा, उसका तो हमें निकालना ही नहीं है और वैसे भी हमें और कोई information given भी नहीं है. ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो देखिए, हमसे पूछा है कि टिल, हमसे पूछ रहे हैं टिल दी मतलब टिल द डेट ऑफ 31st दिसंबर कितना खर्चा हुआ इन द जॉब 447. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 5, पहले के लिखे हैं डायर मटेरियल. देखिए डायरेक्ट मटेरियल देखा जाए ऑन 31st दिसंबर 2020 को कितना खर्चा हुआ 2000, लेकिन वही सेम जॉब पे जो है ऑलरेडी हमारा जो है 40,000 रुपये खर्चा हो गया था. तो यानी कि अगर हमें 31st दिसंबर तक हमें डेटा बनाना है तो हम कितना ऐड करेंगे फॉर द जॉब 447 में, 40,000 + 2,000. सिमिलर फॉर डायरेक्ट लेबर, पहले कितना था 30,000 ऑलरेडी खर्चा हो चुका था, 8,000 और एक दिन में खर्चा हो गया, टोटल हम कितना लेंगे 38,000. तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल आपको आ जाएगा 42,000. फिर उसके बाद ऐड करेंगे हम डायरेक्ट लेबर अमाउंटिंग रुपीज़ 38,000, टोटल हो जाएगा आपका ये प्राइम कॉस्ट दैट इज 80,000. आगे देखिए, अब बात करते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की. फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिखा है इट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस टू मेक द जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर. ठीक है, तो आप अगर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिए आपकी गिवन है एक तो इनडायरेक्ट लेबर और एक मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड्स. अच्छा, अगर आप देखोगे तो इनके आगे ये नहीं लिखा हुआ कि ये किस चीज़ कौन सी जॉब के लिए खर्चा हुए हैं. अगर लिखा ही नहीं है तो हम इनको कंसिडर भी नहीं करेंगे, सच में सब इग्नोर करेंगे. यानी हमें हमारे लिए सिर्फ ये लाइन के काम, इस लाइन का काम है. क्या बोला हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स किस पे बेस आपके 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो हम बस उस पे निकाल लेंगे. ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स दैट इज 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर कितना है आपका 38,000, तो उसमें ऐड करेंगे आपका आ जाएगा ये 45,600. दैट्स इट, टोटल आपका आ जाएगा ये वर्क कॉस्ट और हमें यही चाहिए था 1,25,600. फिनिश. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू आर जॉब्स योर फॉलोइंग टू फॉर जॉब्स फॉर अ मैन्युफैक्चर असर्टिंग द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब. डायरेक्ट मटेरियल चार जॉब गिवन है, उसमें आपको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंस गिवन है, वर्क ओवरहेड्स गिवन आपको 45% ऑन प्राइम कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड्स गिवन आपको 15% ऑन वर्क कॉस्ट. ये तो काफ़ी इजी है, इसमें तो आप कॉस्ट शीट आप आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कॉस्ट निकालनी है आपको. सो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क एंड दिस इज आर लास्ट क्वेश्चन. सो दैट मीन्स विद दिस वी हैव फिनिश्ड अनदर चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज जॉब कॉस्टिंग. मैंने पहले कहा था आपको कि यह चैप्टर काफ़ी इजी है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू.